स्टूडेंट्स कोरोना पेंडेमिक के चलते मैं ये उत्तराखंड के एक रिमोट प्लेस में आ गया हूँ अगली बार इस जगह के बारे में थोड़ा और बताऊँगा थोड़ा एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं आपको बैकग्राउंड में काफ़ी इंसेक्ट्स बर्ड्स एनिमल्स की आवाज़ें सुनने के लिए मिलेंगी बहुत ही एक्सक्लूसिव आवाज़ें भी सुनने के लिए मिलेंगी खैर उसे बैकग्राउंड म्यूज़िक समझ के इंजॉय कीजिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम कंजरवेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उसे बचा रहे हैं वो खुद ब खुद बचता है देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंजरवेशन लाइक कंजर्वेशन ऑफ मास इन विच वी कैन दैट मास कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द सेम वे कंजर्वेशन कंजरवेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सो दीज क्वानटिटीज लाइक दीज क्वान्टिटीज वी हैव मोमेंटम आल्सो सो फॉर मोमेंटम फर्स्ट आई एम रॉटिंग इट्स डेफिनीशन तो ये रही डेफिनीशन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट मोमेंटम रिमेंस कंजर्व आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है मीन्स दर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो भी हम फोर्स लगाते हैं किसी सिस्टम पे दैट इज एक्सटर्नल फोर्स उसके अंदर क्या चल रहा है वो उसके इंटरनली हो रहा है लाइक like, एक इंजन होता है जैसे तो उसके इंटरनली उसमें जो भी अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उसके पिस्टन मूव कर रहे हैं वो इस पिस्टन के इंटरनली हैं बट इन केस अगर हम उसमें धक्का मार रहे हैं देन वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्सेज तो गाड़ी चलती कैसे दैट्स अ डिफरेंट विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन ओके okay, uh, इसका एक शॉर्ट डेरिवेशन है प्रीवियसली uh, मैंने इसकी एक हिंट दी थी यहां पे उसे डिराइव भी करके दिखा देता हूँ आपको तो uh, इसका डेरिवेशन ओके okay, तो हम सेकंड इक्वे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन नो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन f is directly proportional to rate of change of momentum okay and then uh, proportionality, uh, sign, um, with a proportionality, proportionality sign removes with the proportionality constant here proportionality sign the constant here experimentally we have obtained that k equal to 1 uh, experiment kiya. scientists make karke dekha hai. so so this is uh, that uh, F equal to delta P by delta T. Okay, delta P change in momentum. Delta T or oh, time duration, just my momentum change y. F F is that external force. F is external force. Okay, now for isolated system. F equal to zero. जाता ही नीचे हो गया जीरो सो डेल्टा पी बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरोस इनिशियल मोमेंटम इट बी इक्वल टू जीरो इट मीन्स फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम एंड दैट मीन्स पी इक्वल टू कॉन्सटेंट लेकिन हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होगा कब फॉर आइसोलेटेड सिस्टम वॉट इज आइसोलेटेड सिस्टम जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि इफ नो फोर्स इज एक्टिंग नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अस्टम देन इट्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्वड कंजर्व मीन्स कॉन्स्टेंट इस पर बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं बहुत से इसके एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल्स आप और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका फायर गन से है उसमें बुलेट आगे जाती है इसलिए गन पीछे आती है क्योंकि इनिशियली गन रेस्ट में है और मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है आप ट्रिगर को एक्सटर्नल फोर्स में मत लाइए क्योंकि एक्सटर्नल फ़ोर्स का मतलब है कि पूरा सिस्टम किसी तरीके से आगे मूव किया था वो तो हमने सिस्टम में फिर बदल किया थोड़ा सा आ, या फिर रॉकेट रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें भी ऐसी होता है एक्शन रिएक्शन Uh, तो uh, हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं उसके बाद थोड़ा सा और हम मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छे ढंग से समझेंगे ओके मोस्ट फेमस क्वेश्चन गन हैज मास 1.2 पॉइंट टू के जी बुलेट ऑफ मास ट्वेंटी फाइव ग्राम्स विद वेलोसिटी थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड फाइंड रिकॉय वेलोसिटी ऑफ गन तो सबसे पहली चीज मास ऑफ गन इज वन पॉइंट टू के जी मास ऑफ बुलेट इज़ ट्वेंटी फाइव ग्राम देट इज ट्वेंटी फाइव बाई थाउजेंड के जी के जी में ऐसा यूनिट प्रेफर ऐसा यूनिट टू फाइव के जी इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ गन इज़ ज़ीरोल विटी ऑफ बुलेट इज़ ज़ीरो पहले जब गोली चलाई तो पहले तो रेस्ट में था सब कुछ यहाँ पर यह मत सोचिए कि अगर वो भाग रहे हो भागते भागते चला रहे हों वी आर इग्नोरिंग दैट Uh, अगर वैसा होगा भी तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका नेक्स्ट नेक्स्ट इज फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन वी डोंट नो एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 300 मीटर पर सेकेंड नाउ ऑल इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिवॉल्वर को गन चलाने में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा पी आई की वैल्यू होगी एम जी यू जी प्लस एम बी यू बी और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू होगी ये साइड वर्क है ये इससे आगे मत समझिएगा ये थोड़ा लिख रहे हैं हम एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी तो वैल्यू पुट कर लेते हैं तो इनिशियल मोमेंटम वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटीज जीरो हैं ये जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू आएंगी तो मैं पी आई की जगह डायरेक्टली जीरो रख रहा हूँ और दूसरा एम जी वन पॉइंट टू वी जी नहीं पता प्लस एम बी जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव वी बी थ्री हंड्रेड तो वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ वी जी इट बी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दो जीरो हैं डेसिमल यहाँ है आ जाएगा टू पॉइंट फाइव थ्री सा सेवन पॉइंट फाइव नेगेटिव में ये इधर गया है एक्चुअली तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है और ये अपॉन में आ जाएगा वन पॉइंट टू um, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो रही हो मैं डिटेल में बता देता हूँ hmm. 1.2 VG को मैंने इस साइड रखा इसे दूसरे साइड लेके आया मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आ जाएगा 7.5 आएगा ये दूसरे साइड गया तो इसलिए नेगेटिव में आया और अब यह अपॉन में गया अब इसे इधर लिख दिया इसे इधर लिख दिया और राइट right, इसे डिवाइड कर लीजिएगा वो आ जाएगा नेगेटिव में आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि जब गन चलाते हैं तो पीछे के लिए रिकॉयल होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है अच्छा ये मान के चलेंगे हम कि गाड़ियों के एक्सीडेंट की टेस्टिंग की जा रही है तो हमारे पास दो कार्स हैं वन फाइव डबल ज़ीरो के जी एंड टू, टू ट्रिपल जीरो के जी विद वेलोसिटी फोर्टी मीटर पर सेकंड थर्टी मीटर पर सेकंड ओके okay, तो दे आर मूविंग टूअर्ड ईच अदर अंडर गो हैड ऑन कोलिजन और डैमेज की वजह से बोथ कार्स एम्बेडेड इन वन अनदर एक कार इधर से आई एक कार दूसरे साइड से आई और दोनों टकरा के एम्बेडेड हो गई एक दूसरे में धस गई और पूरा एक सिस्टम बन गया अब डैमेज का तो वो जो पूरा कंबाइंड सिस्टम है आ, हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो स्टार्ट करते हैं इसे क्लियरली इसमें हम क्योंकि देखिए उनका अगर कोलिजन हो रहा है तो सब कुछ उनका बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ये इनके ये दोनों का मिला के एक सिस्टम है और उसमें टक्कर हो रही है हम दोनों को मिला के एक सिस्टम कर देंगे और उस पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे तो मास ऑफ वन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन प्लस मास ऑफ टू इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन प्लस मास ऑफ टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू तो मासेस uh, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटीज हमें पता है बट देयर इज अ पॉइंट यू वन को अगर मैं फोर्टी मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ तो यू टू को मुझे माइनस थर्टी मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा रिमेंबर जो वेलासिटी है इट्स अ वैक्टर क्वान्टिटी मोमेंटम इज ऑल्सो अ वैक्टर क्वान्टिटी तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए एक को हमने अगर पॉजिटिव ले लिया है तो दूसरे को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा ये चीज़ ध्यान में रखनी है उसके बाद वो कंपोजिट सिस्टम एक ही वेलासिटी से जा रहा है यानी कि वी और वी दोनों बराबर होंगे इसे मैं वी नाम दे रहा हूँ तो हमें ये वी फाइंड करना है

फिफ्टीन हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड वीफ्टीन फोर जिक्सटी ट्रिपल जीरो माइनस टू थ्री जिक्स सो सी द सरप्राइजिंग रिजल्ट जीरो सो फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो और वैसे भी देखिए इनिशियल मोमेंटम जीरो हो रहा है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन आएंगे और हम आगे भी इस पर कुछ और वीडियोज़ बनाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग से इलास्ट्रेशन के साथ तो आ, आज के लिए इतना ही बाय बाय बहुत सी बुक्स में ये एग्जाम्पल है तो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं बहुत लेंथी हो जाता है अब आप, आप देखिएगा बुक्स में आपको एक आ, मिल जाएगा मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ See, there is a cat uh, sitting on a trolley uh, placed over a frictionless surface uh, the cat suddenly jumps and landed on uh, another trolley so will there be any motion in first trolley in second trolley what will be the velocity of first trolley what will be the velocity of second trolley all right so, in first case initially uh, this is case 1 this is case 2 this is case 3 so we'll start from case 1 <coughs> 1 and 2 there is a transition from 1 and 2 so 1 is initial condition 2 is final condition so mass of cat is 2 kg mass of trolley is 3 kg initial velocity of cat is 0 initial velocity 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 of 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 trolley trolley is is zero, final final cat is two meter per second, final velocity of trolley, we don't know. so uh, definitely there will be a motion क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम को बाहर से फोर्स नहीं मिला है इंटरनल forces हैं उनके तो अगर अगर कैट आगे गई है तो um, जो ट्रॉली है वो पीछे मूव करेगी पर किस velocity से मूव करेगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो लगाएंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसा एग्जाम में स्कूल में मत लिख दीजिएगा मार्क्स मार्क्स नहीं देंगे टीचर्स ओके तो आगे बढ़ते हैं तो एम सी यू सी प्लस एम टी यू टी इक्वल टू एम सी वी सी प्लस एम टी यू टी अब वी टी अब वैल्यू पुट कर लेंगे ये जीरो हो जाएगा तो आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम राइटिंग इट जीरो टू इंटू टू प्लस एम टी वी टी सो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ वी टी ये तिरछा क्यों हो रहा है एनीवे इक्वल टू माइनस मीटर पर सेकेंड ऐसा लिख लेते हैं माइनस right, क्यों है अपने दिल से पूछो नाउ सेकेंड केस टू टू थ्री ओके सो नाउ देर इज अ सिस्टम बिटवीन दिस कैट एंड दिस ट्रॉली एक्चुअली अब इसकी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है ट्रॉली जो पीछे चली गई वो पीछे चली गई अब ये जो कैट है ये लैंड कर रही है इस ट्रॉली पे तो इस ट्रॉली के मोशन पे इस ट्रॉली के मोशन का कोई असर नहीं होगा लेकिन हाँ कैट का असर होगा तो कैट और ये ट्रॉली अब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं तो दिस टाइम वंस अगेन मास ऑफ कैट टू के जी मास ऑफ ट्रॉली ये वाली ट्रॉली भी मैंने उतनी की ही रखी है थ्री के जी की ही रखी है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कैट इज दिस टू मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज जीरो एक चीज देखिए कैट लैंड कर गई ट्रॉली पे तो अब कंपोजिटली दोनों मूव करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कैट को भी मैं वी ले रहा हूँ और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली को भी मैं वी ले रहा हूँ अगेन आई एम अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो बॉर्डर क्रॉस हो गया यहाँ चाइना के तो नहीं है एनी वे एम सी यू सी प्लस एम टी यू टी इक्वल टू एम सी वी सी प्लस एम टी वी टी एम सी यू सी प्लस एम टी यू टी जीरो एम सी वी सी वी सी हमने वी ले लिया ना दोनों के कंपोजिट है तो इसलिए और ये हो गया थ्री इन वी फोर इक्वल टू फाइव वी सो इट्स वेलोसिटी इज फोर बाई फाइव मीटर पर सेकेंड यहाँ मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ रखा नहीं क्योंकि बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन सेम एज द कैट तो देखिए हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग वो टू मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जंप किया था लेकिन अब एक कंपोजिट सिस्टम बन गया तो वेलोसिटी सम वॉट रिड्यूज ऑल्सो तो ये एग्री करता है जो हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्यू मोर क्वेश्चन विल बी कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो अगला वीडियो कुछ और एग्ज़ाम्पल्स के साथ होगा तो वेट कीजिए और और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ ये उत्तराखंड की वादियों का अगली बार एक और नई लोकेशन पे जाके वीडियो शूट करूँगा सो थैंक यू एंड बाय बाय